तब हम बात कर रहे थे कि पार्टीज़ का रिफॉर्म कैसे होगा। भाई देखो, अब बुक में तो खैर पढ़ लेते हैं हम लोग, वैसे चांसेस आपको क्या लगते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हो सकती हैं? बहुत टेढ़ी खीर है, टेढ़ी दुम हो या ना हो, लेकिन टेढ़ी खीर ज़रूर है। तो पहला जो सवाल उठता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जो है जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है बदलने की ज़रूरत है, उनको रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। सवाल यह है कि क्या वो रिफॉर्म होने के लिए तैयार है? पहला सवाल है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म के लिए तैयार हैं? और दूसरी बात यह है कि अगर वो तैयार हैं तो अभी तक वो रिफॉर्म हुए क्यों नहीं? भई अगर सुधरना चाहते हो तो सुधरे क्यों नहीं हो अभी तक? दूसरी बात यह है कि अगर तैयार नहीं है, अगर बोल देंगे नहीं हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्या कर लोगे मेरा तुम, तो ऐसे में क्या कोई ऐसा तरीका है कि उनको ज़बरदस्ती रिफॉर्म करवा दिया जाए कि नहीं भैया तुमको तो बदलना ही पड़ेगा? अब देखिए, सवाल जो है वो मेनली जनता के लिए होता है। ये पॉलिटिकल पार्टी से क्या है, काम चल रहा है अपना, जनता को ये सवाल जो है फेस करना पड़ता है, ठीक है? और ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अगर डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन जो है वो उन लीडर्स के द्वारा लिया जाता है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता जो है वो उनको रिप्लेस कर सकती है, लेकिन बदले में कौन आएगा? दूसरे लीडर्स ही तो आएंगे। एक नेता को हटा के किसी दूसरे नेता को ही तो लाओगे आप, है कि नहीं? ऊपर वाले को तो लाके नहीं बिठा दोगे ना, भगवान वगैरह को आप। तो अब अगर ऐसे में सारे नेता अगर यही कसम खा के आए हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, तो ऐसे में उनको सुधरने के लिए कैसे फोर्स किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो है कुछ जो एफर्ट्स हुए हैं और कुछ सजेशंस हैं, तो इनको देख लेते हैं। जैसे कि संविधान में अमेंडमेंट करके जो है ये व्यवस्था की गई थी कि जो चुने हुए MLA और MP हैं वो पार्टी नहीं बदल सके, क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो इलेक्टेड मतलब चुनाव हो गए, जीत के चले गए, और उसके बाद जिस बहुत सारे MLA या MP जो होते थे वो अपना दल छोड़ के उस दल में चले जाते थे जिसकी सरकार बनने वाली हो, क्योंकि भाई सरकार में रहेंगे तब तो मलाई खाएंगे। तो इसलिए जो है ये व्यवस्था इसलिए की गई कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो डिफेक्शन का काम करते हैं, डिफेक्ट कर जाते हैं, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में भाग जाते हैं चुनाव जीतने के बाद पैसा के लालच में या पोस्ट के लालच में, तो इसको रोका जा सके। तो अब कानून क्या कहता है कि अगर किसी MLA या MP को पार्टी चेंज करना है तो जो जिस सीट से वो जीत के आया है वो सीट उसका खत्म हो जाएगा, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। तो इससे क्या हो गया है कि जो डिफेक्शन का रेट रहा है, दल बदली का जो रेट रहा है पैसा या पोस्ट के चक्कर में, वो घटा है। साथ ही साथ लेकिन अब क्या हो गया है कि अब MP या MLA को अगर मान लो कि अपने पार्टी की जीतने के बाद पार्टी की जो पॉलिसी रही है वो अगर पसंद ना हो और बेचारा अगर उसका विरोध भी करना चाहे, अब उसके पास क्या ऑप्शन है? पार्टी के अंदर वो चैलेंज नहीं कर सकता ना, क्योंकि एक चैलेंज करने का तरीका भी था, नहीं मानोगे हमारी बात हम फला पार्टी में चले जाएंगे, वहाँ पर बात सुनी जाती है, लेकिन अब वो नहीं कर सकते क्योंकि भाई इसका परमिशन नहीं है, आपकी सीट चली जाएगी। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अब उनको वही डिसीजन मानना पड़ेगा जो पार्टी लीडर डिसाइड करते हैं। तो एक तरीके से इंटरनल डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए, जो एक मेजर चैलेंज है, वो खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके थ्रू जो है पैसे और क्रिमिनल एलिमेंट्स के इन्फ्लुएंस को कम करने का प्रयास किया गया। तो अब जो है मैंडेटरी है हर एक कैंडिडेट के लिए जो भी इलेक्शन लड़ रहा है कि उन्हें जो है एफिडेविट शपथ पत्र देना पड़ेगा, एफिडेविट साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है ये, तो वहाँ पर जो है शपथ खा के कहते हैं कि भैया हमारे पास इतनी संपत्ति है और हमारे अगेंस्ट इतना क्रिमिनल केस पेंडिंग है, इतना मुकदमा चल रहा है। तो इससे क्या होता है एटलीस्ट कि अब बहुत सारी जानकारी जो है पब्लिक के बीच में जो है अवेलेबल होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें भी है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकें कि कैंडिडेट ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है या गलत है, है ना? तो हो सकता है कि नेताजी का जो है स्विस बैंक में अकाउंट हो, ये हो, वो हो, लेकिन वो इलेक्शन में बोलते हैं कि जी हमारे यहाँ जो है हमारी जो है 50 लाख की संपत्ति है और एक पुरानी जो है बलेनो कार है, बाकी सब अरे नहीं, वो तो चिल्ला चपाटी सब का है, ऐसे ही लेकर खड़ा रहता है दरवाजे पे। तो अब चेक करने का कोई सिस्टम जो है इसमें नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन एटलीस्ट अभी तक जो है हमको ये नहीं पता है कि इसकी वजह से पैसे या क्रिमिनल्स का कोई इन्फ्लुएंस घटा है। आप लोग भी अपना तजुर्बा इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट? नॉर्मल तो ये ऐसा लगता है कि पैसे और क्रिमिनल एलिमेंट्स का इन्फ्लुएंस जो पॉलिटिक्स में, वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद से भी ऐसा कुछ घटा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो है एक ये ऑर्डर पास किया था जिसके वजह से अब ये कंपलसरी है, नेसेसरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि उनको जो है अपना ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होल्ड करना पड़ेगा और साथ साथ जो है उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है ऐसा करना शुरू कर दिया है, लेकिन कभी कभी ये बस फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है? ऐसा ये क्लियर नहीं है कि ये चीज़ जो है इसकी वजह से इंटरनल डेमोक्रेसी बढ़ी हो पॉलिटिकल पार्टीज में। अब ये तो हो गई वो प्रयास जो कि किए गए हैं, अब सजेशंस पे आ जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या सजेशंस अवेलेबल हैं।
आप भी अपनी तरफ सजेशन जोड़ सकते हैं इसमें। पहले ये कि एक कानून बनना चाहिए जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करेगा, और ये मैंडेटरी कर देना चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कि वो जो है अपने मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करें, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसको कि वो फॉलो करेंगे, एक जो है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रखें, और साथ ही साथ पार्टी के डिस्ट्रीब्यूट्स पर जज के तौर पर जो कि काम करे, और साथ साथ जो है ओपन इलेक्शन होने चाहिए हाईएस्ट पोस्ट के लिए। तो अगर मान लीजिए कि जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप के लिए को लेकर थोड़ी क्राइसिस चल रही है, तो ऐसे में क्या होगा, कांग्रेस पार्टी जो ऐसा कर सकती है कि प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जो है जितने भी कांग्रेस मेंबर्स हैं इंडिया वाइड उनका एक इलेक्शन होल्ड करवा सकती है, जैसे ये साबित हो जाए कि मैक्सिमम जो है सपोर्टर्स या मैक्सिमम मेंबर्स जो है किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंटरनल डेमोक्रेसी को रोबस्ट बनाने के लिए ये काम किया जा सकता है। दूसरा ये कि पार्टीज के लिए जो है ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि वो मिनिमम जो है कम से कम एक मिनिमम नंबर फिक्स करें कि इतना टिकट जो है हम महिला कैंडिडेट्स को देंगे, राइट, 1/3 मान लो। इसी के साथ जो है ये भी एक तय हो जाना चाहिए कि महिलाओं को डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होगी पार्टी की, ठीक है ना, जो गवर्निंग काउंसिल या जो भी उन्होंने बना रखा है डिसीजन मेकिंग बॉडी पार्टी की, उसमें भी जो है महिलाओं के लिए एक कोटा रहेगा ताकि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल सके, राइट, ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव नेचर हो सके पार्टीज का। इसके अलावा ये भी बात चलती है कि इलेक्शंस का स्टेट फंडिंग होना चाहिए, मतलब कि पार्टियों को जो है सरकार की तरफ से पैसा मिलना चाहिए अपने इलेक्शन के खर्चे को सपोर्ट करने के लिए, और ये जो है पेट्रोल के रूप में, पेपर के रूप में, पेपर में स्पेस के तौर पर, टेलीफोन कॉल की सुविधा देकर ये सब करके किया जा सकता है, या फिर जो है सीधा उनको पैसा दिया जा सकता है, जितना वोट आप जीत के लाए लास्ट इलेक्शन में उस हिसाब से आपको पैसा दे दिया गया कि चलिए इतना आपका खर्चा जो है हुआ होगा ये हम दे देते हैं। अब ये जितने भी हैं सजेशंस कितने इफेक्टिव होंगे इस पर आप लोग अपने विचार रख सकते हैं। खैर अभी तक की बात यह है कि ये सजेशन जो अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट नहीं किया है, राइट, जब भी एक्सेप्ट होगा तो हो सकता है इसे कुछ सुधार हो जाए। लेकिन साथ ही साथ जो है हमें ये भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का जब कोई लीगल सॉल्यूशन बताते हैं तो उसका भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल जब ओवर रेगुलेशन होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी, क्योंकि तब हर एक पार्टी जो है उसको कानून तोड़ने का तरीका खोजना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्हीं की तो भाई सरकार चलती है, वही तो सरकार में रहते हैं, लेजिस्लेचर उन्हीं का हो गया, एग्जीक्यूटिव उन्हीं का हो गया, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी ऐसा कोई कानून नहीं पास करती हैं जिससे कि उनके पैर में कुल्हाड़ी लग जाए, इसलिए इन सजेशंस के इंप्लीमेंट होने के चांसेस भी बहुत कम हैं। दो तरीके हैं और भी जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हो सकती है। एक तो यह है कि पब्लिक जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डाले, ये पेटिशन, पब्लिसिटी, धरना प्रदर्शन इन सब के थ्रू हो सकता है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट वगैरह जो है और मीडिया जो है वो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि उनका पॉलिटिकल सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा अगर वो रिफॉर्म नहीं करते हैं अपने आप में, तो फिर तो उनको सीरियस होना पड़ेगा रिफॉर्म के बारे में। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अगर इसके लिए तैयार हो जाए। ओके, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं वो अगर इम्प्रूव होने के लिए तैयार हो जाए तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। अब देखिए डेमोक्रेसी में एक चीज़ तो है कि डेमोक्रेसी आपकी उतनी ही अच्छी है जितनी जनता इसमें शामिल है। जनता की पार्टिसिपेशन रेट में अगर कमी आ रही है मतलब आपकी डेमोक्रेसी जो है वो कमज़ोर हो रही है, आप एक्चुअली जो है जनता को रिप्रेजेंट करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना जो है ये डिफ़िकल्ट होगा अगर आम जनता जो है वो इसमें एक रोल प्ले ना करे, ठीक है, वो अगर पॉलिटिकल पार्टीज को फोर्स ना करे रिफॉर्म के लिए, तब तक जो है पॉलिटिक्स का रिफॉर्म मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बाहर से आलोचना करके कि भैया राजनीति गलत चीज़ है, कचरा है, ये है वो है, तो इससे काम नहीं चलेगा। दूसरी बात ये है कि बैड पॉलिटिक्स को आप कैसे ख़त्म करिएगा, बेहतर से बेहतर पॉलिटिक्स ला के ही करिएगा ना आप ख़त्म। तो जो बुरी पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं अभी के टाइम में, पैसा या पावर के बल पर वोट मैनेज कर लेना, राइट, धन का दुरुपयोग करना इलेक्शन कैंपेन वगैरह के दरमियान में, बाद में जो है जो आपके हेल्प करने वाले थे इलेक्शन में उनके लिए उनके हित में जो है पॉलिटिक्स पॉलिसीज बनाना, राइट, तो ये सब चीज़ अगर आपको ख़त्म करना है इसके लिए आपको जो बेटर पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग जो है इसके बारे में फाइनल चैप्टर में भी बात करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। तो वेल दैट इज इट अबाउट दिस चैप्टर, यू गाइस कैन यू नो लाइक आंसर द क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन सेक्शन हियर, राइट, एंड वेल मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेसन के साथ। बाय बाय।